हेलो, इंस्पेक्टर फिलिप्स बोल रहा हूँ। अरे फिलिप्स ही बोल रहा हूँ, ज्यादा घुमाओ मत, बात बोलो। हॉस्पिटल ले जाने समय मनु बच गया। किस समय हुआ ये सब? कैसा पेशेंट? इसी कॉन्शियस? बिल्कुल नहीं सर, बहुत ब्लड जा चुका है, बॉडी में फुल बुलेट्स हैं। थिएटर में क्या? हाँ सर। व्हाट ग्रुप? ओ पॉजिटिव। नाम क्या है? मानो वही रिकॉर्ड्स में है। आइए सर, सर, ये तो 5-6 घंटे लगने वाले हैं, तब तक मुझसे यहाँ रुकना नहीं होगा, मैं जा रहा हूँ, बहुत जरूरी होगा तो मुझे बुलाना सर। और हाँ, तुम यहीं पे रहोगे। अमनी है क्या? Hey, sir. डरो मत सर, उसमें आपका नंबर लिखा नहीं है। हाँ, नीचे आओ ना। जरूरी नंबर जो भी, ये अमनी को पता है। ये क्या ऐसे देख रहे जैसे पहले बार देख रहे? हजार बार देख लूँ तब फिर भी लगता है पहले बार देख रहा हूँ। सच बताओ, 20 साल की लड़की की माँ हो, वो देख के तो नहीं लगता। आज क्या यहाँ कोई भी नहीं है क्या? हाँ, दोपहर तक एर्नाकुलम जिले के आपके रैंक के कोई आदमी था, साथ में 2-3 फ्रेंड्स भी। ओह सोमन, वो तुम्हारा कब से कस्टमर बन गया? उतना पहचान नहीं है, सिर्फ जानती हूँ। ओ, 4-5 साल पहले यहाँ इतनी भगदड़ मची थी 2 पैक मारने के लिए। आजकल तुम्हारा यह सेटअप बहुत सही है। ना रहेगी पास, ना बचेगी बांसुरी। कौन सा है वो 4-5 गाड़ी जो बाहर खड़ी हुई है? खरीदा है या सीज किया है? हफ्ता नहीं मिला तो सीज किया। हाँ, कैसा है वो जेल भागा हुआ बंदा? नहीं मरेगा लगता। एक मिनट,
अरे सुन, एर्नाकुलम का कोई झूठा माल नहीं चाहिए, फ्रेश चाहिए मुझे। ये क्या, उसने कुछ लिया नहीं? नहीं शंकर भाई, आपने जोर नहीं दिया होगा। जोर दिया, बहुत जोर दिया। तो उसके और बच्चे की देखभाल करता है और उसमें वो खुश है, आपको बोलने बोला। फिर गुरुवायूर का प्रसाद दिया तो वो सिर्फ ले लिया। ले लिया और क्या बोला उसने? मनोव्यवहार खराब होने पर कोई भी मंदिर जाने का फायदा नहीं, माँ को बोलने बोला। अमनी इधर आना जरा। आई। सुबह फोन में मैं जो बोला वही कंडीशन है अभी भी, कम से कम 48 घंटे के बाद कुछ बोल सकता हूँ। कल था डेट, अब अगला डेट है वो गवर्नमेंट को बताना होगा ना, बहुत सारा फॉर्मेलिटीज है। क्या फॉर्मेलिटीज, क्या डेट है? हाँ, उसको कोई फांसी पे लटकाना था और उसके बीच में ये सब हुआ, अब अगला डेट कब है ये गवर्नमेंट को बताना होगा। आप कब उसको डिस्चार्ज करेंगे अगर ये बोलते? फांसी पे लटकाने वाले बात आने तो तुम्हारे वो तो कीर खाए भी खुशी है, अगर ये सब मारने वाले तो क्यों यहाँ लेकर आया, वहाँ पे मार देते बारबेरियन। हाँ, आप क्यों एक्साइटेड हो रहे? एक्साइटेड हो जाएंगे, सीने में दिल वाले कोई भी एक्साइटेड हो जाएंगे। एक दो घंटा नहीं, 8 घंटा लगा पूरा बुलेट्स उस बदल से निकालने के लिए, और बहुत दिन लगेंगे उसके जबान से एक शब्द निकालने, उसके बदन के दर्द को थोड़ा ससल नहीं मिलने के लिए। इतने दिन से हम लोग कुछ लोगों के मेहनत, मेडिसिन, अटेंशन, सब कुछ उस फांसी के बनते पर चढ़ाने के लिए बात कर देंगे तो कोई भी एक्साइटेड हो जाएगा मिस्टर। 3-4 साल पहले उसमें पुराने केस है, अपने भाई और भाभी को मार के थैले में डाल के पानी में फेंक दिया उसने, वो भी अपने माँ जैसी भाभी को अपने स्वार्थ के कारण किया। इस राज के चीफ जस्टिस तो क्या, अपने प्रेसिडेंट को भी ना लगने वाला दया आपको क्यों लगता है मिस्टर? द लॉ यू अपहोल्ड आई अबॉर्ट इट। जिंदगी ना देने वाले को किसी का जिंदगी लेने का हक नहीं है। आपसे तो बोला है नहीं मिल सकते उन्हें। दिस इज टू मच, एक वकील अपने क्लाइंट से नहीं मिल सकते क्या? ये कहाँ का नेम है? हमें आपके पास बहस करने का समय नहीं है, और ज्यादा कुछ बोलना है तो डॉक्टर गिरीश से बोल। तो फिर ठीक है, कहाँ है आपका डॉक्टर गिरी? मैं यही पे हूँ। सो यू आर डॉक्टर गिरी? यस। सो यू सॉल्व माय प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम है? इस रूम में खड़े हुए पैर के दिन आई पेशेंट। ओके पेशेंट, मनु मेरा क्लाइंट है, मुझे उसे मिलना है। दैट्स इम्पॉसिबल। डॉक्टर क्या बोलना चाहते हैं मैं जान गई, मनु अभी बात करने की हालत में नहीं है। ओके आई कीप मॉम, बात नहीं किया तो उसे मिल तो सकती हूँ। मनु आपका क्लाइंट है, ठीक है, आप कौन बताएं? बोला इनसे आप आने से पहले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दोबारा बोलती हूँ। आई एम एडवोकेट सेठ लक्ष्मी, इस आदमी का केस सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट में मैंने लड़ा है, सो दैट्स अबाउट। हाँ तभी तो हार गई, ये मैंने बहुत सुना है, क्या मैं उसे मिल सकती हूँ या नहीं वो बोल दो। मुश्किल है, 2 दिन के बाद सोचेंगे। खुशी हुई, ये बात ये भाई लोग पहले बोल देते तो मुझे इतनी जबान चलाने नहीं पड़ती, अपने काम पे चली जाती थी। एनीवे थैंक यू वेरी मच डॉक्टर।